या अपर दादी को भाई चाहिए फ्री कैसे अपने काम करें। और खास करके सर शकुल्ला खान भी है, तो उसके साथ साथ हम जो है राम प्रसाद बिस्मिल की बात करते हैं। जब हम इंकलाब जिंदाबाद की बात करते हैं, भगत सिंह का नाम आता है, तो हम उस वक्त जो है हसरत महान सिंह की बात करते हैं। जब सरफरोशी तमन्ना की बात आती है, तो हम वहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल की बात करते हैं। जिसमें अजम आबादी, जिसमें सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में, उनको हम याद करने की बात करते हैं। आईने की लड़ाई के तमाम की इंसिनिया, उनके उनके झंडे, उनके नारे को उठा के देखिए वहाँ से इतिहास, और फिर उसको चैलेंज की बात होती है। शायद मैं गुस्साखी तो नहीं कर रहा हूँ, मैं करेक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उर्दू सहाफत के इर्तका के बारे में नहीं जानता उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ। लेकिन टीपू सुल्तान शहीद आजम ने अपने बैरक में एक सिपाही 1795 में वो अखबार चालू करके तो बैरक का कन्फाइन होता था। जैसा कि हमारे प्रोफेसर ऑफिसरिंग वाइस चांसलर ने बात कही कि हमें तमिलनाडु और उसकी तहजीब की बात करनी है, ऐसी शख्सियत, मुझे बहुत अफसोस होता है सर, मुझे बात नहीं करने दी कि मैं जुबान से भी आजाद हूँ, तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मुंशी प्रेमचंद, हमें मुझे नहीं मालूम कि तमाम ऐसे स्टूडेंट जो है उनकी सोजे वतन किताब, जिसको अंग्रेजों ने उस किताब को लेकर भाग रहे थे, ये कमीन कोर्ट से वहाँ के कमीशन से रास्ते में पकड़ लिए, ये सभी डॉक्यूमेंटेड है, ये हिस्ट्री में है, मैं कहीं अपने मंच पर बात करके नहीं बता रहा हूँ। बकायदा उस जमाने में बैलगाड़ी होती थी, बैलगाड़ी के वो लालटेन चलता था, मैंने किताब पढ़ी है, उसको पकड़ लिया, उनके हाथों से उनको किताब उस जमाने का अंग्रेज कमीशन ने चलवाया। मुंशी नवल किशोर, उनका अपना प्रेस होता था लखनऊ के अंदर, उनकी इतनी बड़ी कुर्बानी, और मेरे पास में अभी तक करीब 135 उर्दू अखबार जो है 1822 से लेके 1857 के बीच में निकल चुके थे। यहाँ पे अगर कभी आपको मौका देंगे तो मैं शायद आपके हाथ में भिक्षण लगा सकूँ। आपके आपने तो देख के बड़ा ताल्लुक है कि इतनी बड़ी कुर्बानी, बल्कि मैं तो बैठे में भी उम्मीद कर रहा था रास्ते में कि सर आप लोग जानते होंगे प्रोफेसर विजय सिंह साहब रिटायर्ड हैं, बहुत बड़े सीनियर वो भी साथी रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं, उन्होंने हम ये नहीं कह रहे कि मैं क्रेडिट ले नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बात करना चाहता हूँ 27 मार्च को 200 साल के बाद जो पहला हमने प्रोग्राम भोपाल में कराया, और उसकी तैयारी करते हुए 2 अक्टूबर जब गांधी जी की जयंती मना रहा था, तो उस तरह के हमारे दो साथियों ने कहा कि 1822 में शुरू हुआ था, 200 साल पूरे होने जा रहे हैं, वहाँ कुछ क्वेश्चन रोमान थे, उन्होंने सबने मिलकर बताया कि मैं इसे करना हमने किया। अब जो मुद्दे की बात कहना चाहता हूँ कि जो मैं पढ़ना शुरू किया, पूरी पूरी लाइफ देखा जाए तो उर्दू जुबान ने, भाषा ने, हमारी हिंदी भाषा ने लेकिन स्मार्ट किलो मुस्लिम लैंग्वेज डकन में जाएंगे तो डकनी उर्दू का लाता है, ढाका में जाएगा ढकिया उर्दू बात करेंगे। अब अभी जब मैं अब ये काम करना शुरू किया तो भोजपुर लैंग से होंगे, इस्टर्न यूपी से होंगे, हमारे एक दोस्त है छोटे भाई की तरफ निर्देश कंपनी, वो भोजपुरी में कविता करते हैं और तमाम उर्दू के वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं। ए भैया हमारे को औकातिया पर है औकात, उर्दू में नियत नजदीक, फिर उसके बाद हमें लोगों ने मदद किया। शायद ही भारत की ऐसी कोई भाषा हो जिसमें उर्दू ने उसके भाषा से ना लिया हो, गुजराती हो, तमिल हो, तेलुगु हो, सबसे ले लिया है।